जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। न्यूज क्लिक के साथ यहाँ पर रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। न्यूज क्लिक के साथ यहाँ पर रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। यूएपीए के तहत झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये प्रदर्शन एक तरीके से जो न्यूज क्लिक के बहाने पत्रकारों की आवाज को बंद करने की जो कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ है। प्रवीरपुर का है तो अमित चक्रवर्ती को जो अरेस्ट किया गया यूएपीए लगा करके उसके खिलाफ है। भाषा सिंह, सोहेल हाशमी और तमाम पत्रकारों के घरों पे जिस तरह से छापा डाला गया उसके खिलाफ है। ये स्वतंत्र पत्रकारिता को पिछले दिनों जिस तरीके से छापेमारी करके गिरफ्तारी करके उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। जो लोग मजदूरों और किसानों के खबरों को दिखाते हैं, जो लोग जनता के सवालों को लेके आज की सरकार की जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो पॉलिसी चल रही है, उन सब पॉलिसीज को एक्सपोज करने का सवाल करते हैं। हमने देखा किसान आंदोलन पे भी, तो उस पर यह हमला है। उन्होंने लगातार मतलब न्यूज क्लिप पे हमला किया, पहले भी रेड किए, उनको कुछ भी नहीं मिला, फंडिंग का कोई भी सबूत नहीं, एकदम झूठ, सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है, पहले सारा कुछ दिखाया जा चुका है इनको। बिना सोचे कुछ भी लिख दो, कहानी बना दो मनगढ़ंत, कि जिनको ये कह रहे हैं कि चाइना से पैसा लेते हैं, वो कहीं भी उसका कोई साइन नहीं है कि चाइना से कुछ पैसा लिया गया, ना सरकार से, ना कोई एंटिटी से, ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है। छापेमारी और गिरफ्तारी दिखा करके जिस तरीके से स्वतंत्र पत्रकारिता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसका गला घोटने की कोशिश की जा रही है, इसको बंद किया जाना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी में एक फ्री मीडिया बहुत जरूरी होता है, उसका एक अहम हिस्सा होता है। तो यहाँ पे कुछ सालों में जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको आपने उस पर कब्जा कर लिया, उसको एकदम गोदी मीडिया बना दिया है। तो लोगों के जो मुद्दे हैं उसको उठाने वाले सिर्फ थोड़े बहुत सोशल मीडिया के चैनल रह गए थे, जिसमें कि आपका खुद का न्यूज पोर्टल जनचौक भी शामिल है, मैं मानता हूँ न्यूज क्लिक भी है। ये बचे हैं आजाद पत्रकारिता के नाम पे जो देश के भीतर जो बर्निंग क्वेश्चंस हैं, ऐसे सवाल जो सरकार को एक तरीके से अनकंफर्टेबल बना देते हैं, जो जरूरी सवाल है, चाहे वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, चाहे वो किसानों की जो मुद्दे हैं, या एंटी सीए जो मूवमेंट था वो है, या जो पार्लियामेंट यहाँ पे जंतर मंतर पे हमारे जो चैंपियन वुमेन चैंपियंस थे उनके साथ जो शोषण हुआ था उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट था, जो इस तरह के तमाम जनता के मुद्दों को लेकर के, चाहे वो कांग्रेस का जमाना रहा हो, चाहे बीजेपी का जमाना रहा हो, हमेशा उन्होंने आवाज उठाई। ऐसे पत्रकारों को जो इन सवालों को उठाते रहे उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से इस देश में जो जनता के जरूरी सवाल, इन सवालों से बचने की एक कोशिश है। बहुत नर्वस हो रहे हैं ये लोग। कारगिल में देखिए कि 26 सीट में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई भाजपा। 2024 के चुनाव भी नजदीक ही है, इसलिए ऐसे चुनिंदा पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है। ये बेहद घबराए हुए हैं, तो हर तरीके से ये लोग दबाना चाहते हैं जो भी बची कुची आवाज है, आजाद जो एक एक्सप्रेशन है, जो मीडिया है, उसको खत्म करने के लिए कोशिश है। इन्होंने जन आंदोलन की जो ताकतें हैं उनको जिस तरह से चुन चुन कर निशाना बनाया, अंदर डाला है, ये दिखा देता है कि बिल्कुल हिटलरी तौर तरीका अपनाने वाली सरकार है। अफवाह के बल पे, झूठ के बल पे ये जो है जनता का, जनादेश का अपमान कर रही है, लोगों के वोट का अपमान कर रही है। सीधे आप पहुंच गए 50 लोगों पे, आपने इस तरह से हमला किया, रेड किया, और यूएपीए बिना सोचे समझे सब पे लगा दिया। यूएपीए कहाँ से आता है? यूएपीए वैसे भी बहुत ही खराब कानून है, बेल नहीं मिलती है आपको, कोई भी चार्ज लगा दो उठा के डाल दो वो पड़े रहते हैं आप, तो ये तो वैसे ही इसका ये कानून रद्द हो जाना चाहिए। और इस केस में इन्होंने FIR तक की कॉपी नहीं दी, वो सुप्रीम कोर्ट से जाके कहना पड़ा कि आपको FIR की कॉपी मिलनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप माहौल बना रहे हैं तो देखिए, अगर क्रिटिसिज्म करेंगे वो तो आपका हक है, मीडिया का हक ही नहीं, उसका फर्ज है कि अगर सरकार गलत नीति अपनाता है तो उसका क्रिटिसिज्म करें, उसकी बात आगे रखें। बड़े बड़े नारे कभी अतीत में दिए और इस समय भी जिस तरीके से ये दे रहे हैं, इन नारों का जो पर्दाफाश जिस तरीके से हो रहा है, इनकी जो हकीकत जिस तरीके से बयान हो रही है इन पत्रकारों के माध्यम से, इस हकीकत की आवाजों को एक तरीके से खामोश कर देना चाहते हैं। मतलब एक तरह से तो इमरजेंसी दोबारा से लागू हो गई बिना कोई अनाउंसमेंट किए, उसमें तो ओपन था कि प्रेस सेंसरशिप है, यहाँ पे आपने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। और एक और चीज़ जो इमरजेंसी के टाइम पे हमने नहीं देखा था, जिस तरह से फिरका परस्ती और ये दंगे और खून खराबा और रेप ये सब जो हो रहे हैं, वो उस टाइम पे थोड़ी हो रहा था। हम लोगों की मांग है कि प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए, UAPA तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।